हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल घर की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी स्नैक्स, जिसका नाम है चिली पटेटो। ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आता है और ये बहुत ही इजीली घर में बन जाता है। चलिए, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमें सबसे पहले चाहिए 4 बड़े आलू, जिसको हमने इस तरह के टुकड़ों में लंबे कट कर लिया है, और हमने लिया है कैप्सिकम, 1 शिमला मिर्च जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है, और हमें 1 छोटे प्याज चाहिए जिसको हमने ऐसे कट कर लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, और टमाटो सॉस जो है 2 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 बड़े चम्मच, और रेड चिली सॉस 2 बड़े चम्मच, और हमने ये लिया है रोस्ट किया हुआ वाइट तिल सेसमे, और हमने लिया है आधा नींबू का रस। अगर आपके पास वेनेगर है तो आप वेनेगर ले सकते हैं, मैंने नींबू का रस लिया है। तो चलते हैं हम अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम आलू को में कॉर्नफ्लोर डाल करके इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। इसमें हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हम बचा करके रख देंगे। इसको हमें अपने क्लीन हैंड से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पोटैटो जो है अच्छे से कोट हो चुकी है। अब हम जो है चलते हैं इसको तलने की तरह। इसको हमें डीप फ्राई करके निकालना है, थोड़ा सा क्रिस्पी। हमने एक कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पोटैटो को तलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे पोटैटो को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ये आलू यहाँ पे पूरी फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपने वेजिटेबल फ्राई करेंगे एकदम लाइट। हमें ज्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़े क्रंची रखने हैं। हमने 1 चम्मच यहाँ पे ऑयल लिया है। अब आप इसमें अपनी वेजिटेबल डाल देंगे। और हम इन्हें अब लाइट फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेजिटेबल फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, दो बड़े चम्मच टमाटो केचप, एक बड़ा चम्मच सोया सॉस, लेमन जूस, और नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने कॉर्नफ्लोर बचा के रखा था 1 चम्मच, उसमें हम पानी डाल के उसको
ऐसा घोल बना लेंगे और उसे हम ऐड करेंगे इसमें। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपने रोस्ट किए हुए तिल ऐड करेंगे थोड़े से, और थोड़े से हम रख देंगे बाद में डेकोरेट करने के लिए। अब हम इसमें अपने पोटैटो ऐड करेंगे और हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिली पोटैटो रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चिली पोटैटो बनके रेडी है। अब हम इसके ऊपर से इसके थोड़ा सा तिल ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमारा चिली पोटैटो बनके एकदम रेडी हो चुका है। इसको हम अब एंजॉय करेंगे, और आप भी एंजॉय करिए, घर पे बनाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे पेज को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस आपको इजीली जो है देखने को मिल सकें।